ब्रिटेन में राजनीतिक संकट मंडरा रहा है। ब्रिटेन में लगभग 45 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से ब्रिटेन की सियासत में हलचल मच गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बोरिस जॉनसन सांसदों के सभी 5 दौर के मतदान में जीत हासिल कर प्रधानमंत्री बने थे। बोरिस जॉनसन ने अपने प्रतिद्वंदी जेरेमी हंट पर 92-153 मतों के साथ विजयी हुए थे, लेकिन बोरिस जॉनसन के लिए अपनी कुर्सी पर बने रहना मुश्किल हो गया है। लगातार हो रहे विवाद की वजह से बोरिस जॉनसन के कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। वित्त मंत्री सुनके ने इस्तीफे के बाद बताया कि वह सरकार का साथ छोड़ने से दुखी हैं, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए पार्टी में रहना वो उचित नहीं समझ रहे हैं। गृह मंत्री प्रीति पटेल तक ने इस्तीफा दे दिया है। सारे बड़े नेताओं के अचानक इस्तीफे के बाद बोरिस सरकार पर संकट के बादल छा गए हैं। आपको बता दें कि पिछले माह के पहले हफ्ते में ही बोरिस जॉनसन के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में बोरिस ने जीत हासिल की और सरकार में बने रहे। अब दूसरी बार फिर से राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन ने एक और ऐसा कदम उठाया जिससे उनकी कुर्सी खतरे में आ गई। दरअसल उन्होंने लेवलिंग अप हाउसिंग एंड कम्युनिटी सेक्रेटरी माइकल गो के बर्खास्त कर दिया, और ऐसा उन्होंने उनकी कैबिनेट में बगावत के बाद काबू पाने के लिए किया। इसी पर गोए ने मीडिया को बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने के लिए कहा है। इसके बाद बोरिस जॉनसन ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। ब्रिटेन के मंत्रियों का कहना है कि जनता सरकार से उम्मीद करती है कि वो जनता की भलाई के लिए कार्य करेगी, लेकिन बोरिस जॉनसन जनता के हित में गंभीरता से काम करने में नाकाम रही। ऋषि सुनक ने कहा कि जनता यही उम्मीद करती है कि सरकार ठीक ढंग से और गंभीरता से काम करेगी। उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है कि ये मेरा आखिरी मंत्री पद हो, लेकिन मेरा मानना है कि इन मुद्दों से मुझे लड़ना जरूरी है और इसी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने कहा है कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा नहीं सकता, इस सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं हूं, जिसकी वजह से पद से इस्तीफा दे दिया। ब्रिटेन के राजनीति में भूचाल ब्रिटेन के एक सांसद क्रिस पिंचर से संबंधित बताया जा रहा है। क्रिस पिंचर पर नशे में लोगों के साथ अभद्र व्यवहार व यौन दुराचार के आरोप लगे थे। इस मामले में ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की खामोशी पर भी सवाल उठाए। साथ ही आरोप लगने के बाद पिंचर को प्रमोशन मिला था। इसी मामले को लेकर पिछले 5 दिनों में ब्रिटेन सरकार ने अपना बार बार बयान बदला। ब्रिटेन के मंत्रियों ने शुरुआत में कहा कि जॉनसन को पिंचर पर लगे आरोप के बारे में नहीं मालूम है। वहीं बीते सोमवार को एक प्रवक्ता ने बताया कि जॉनसन को यौन दुराचार के बारे में पता था, लेकिन मामले को या तो आगे बढ़ाया नहीं गया या फिर इसे हल कर दिया गया। जॉनसन कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो पार्टी में हरकत मच जाएगा और आने वाले चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा और इस्तीफे की वजह से जल्द चुनाव करना पड़ेगा। बोरिस जॉनसन ने कहा, वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने क्रिस पिंचर के प्रमोशन को लेकर इस्तीफा दे दिया था। साजिद जावेद ने भी इसी वजह से इस्तीफा दिया। पीएम ने उनकी जगह 2 नए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। इस डैमेज कंट्रोल को मैनेज करने में नाकाम रहे बोरिस जॉनसन अब इस्तीफा दे दिया है। आगे अब वक्त ही बताएगा कि ब्रिटेन का ताज किसे मिलता है।